गदरपुर थाना क्षेत्र में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर झूठे प्रेम में फंसाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को थाना गदरपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। एसएसपी मंजूनाथ टीसी द्वारा गदरपुर पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी बाजपुर को फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर झूठे प्रेम में फंसाकर बलात्कार करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी बाजपुर के निर्देशन में एसओ गदरपुर को निर्देशित किया गया। पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी एवं अशोक गदरपुर के द्वारा कार्यवाही करते हुए दानिश उर्फ दीपक को गदरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आज एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि दानिश उर्फ दीपक पुत्र नन्हे निवासी सैकनीय शिव मंदिर कॉलोनी थाना गदरपुर उधम सिंह नगर वर्तमान में निवास कर रहा है। 16 वर्ष पूर्व ग्राम सेवई की मंडे थाना स्वार जिला रामपुर यूपी से आकर सैकनीय शिव मंदिर कॉलोनी बदरपुर में बस गया था और यहाँ पर आकर टैक्सी स्टैंड में टैक्सी चलाने का कार्य कर रहा था। इसके माता पिता फल सब्जी लगाकर फल बेचने का कार्य किया करते थे। वर्ष 2017 में एक अपरिचित महिला से इसकी जान पहचान हो गई और जिससे उसने अपना नाम दानिश के बजाय दीपक होना बताया, अविवाहित होना भी बताया गया और उसके अपने प्रेम जाल में फंसाकर दोस्ती कर ली। धीरे धीरे दोस्ती के नाम पर उस महिला जो धौलपुर रुद्रपुर में चावल की गत्ता फैक्ट्री में नौकरी करती है, बहाना बनाकर प्रत्येक माह पैसे की मांग करने लगा तथा दीपक नाम की फेसबुक आईडी बनाकर महिला से अश्लील बातें और अश्लील फोटो भी भेजता रहा और उसको ब्लैकमेल करता रहा। इसी संबंध में महिला को जानकारी होने के बाद ये शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं तो यह दीपक नहीं बल्कि दानिश नाम का व्यक्ति है। इसको बाद दिनांक 21 सितंबर को महिला द्वारा प्रार्थना पत्र देकर थाना गदरपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। गदरपुर में एक मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ने, मूल रूप से उसका नाम दानिश था, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था, उसका जन्म जो है स्वार में हुआ है, रामपुर के बिलोंग करता है और काफ़ी साल पहले गदरपुर की सकेनिया चौकी में क्षेत्र में दूर के एक गाँव में रहते थे। ये फल सब्जी का काम माता पिता करते थे और ये खुद जो है टैक्सी चलाते थे। हाल ही में थोड़े दिन पहले अपना पूरा अपना एक तरीके से आइडेंटिटी बदल के इसने अपने आप को दीपक बोलना शुरू कर दिया। दीपक के नाम में फेसबुक आईडी और अलग अलग आईडी बना के ये लोगों से परिचय लेता था कि ये दीपक है करके। इस प्रकार दीपक का आइडेंटिटी लेकर एक हिंदू लड़की को इसने अपने सम्मोहन में लिया और अपना रिश्ता बनाया, उसको एक तरीके से रिलेशन बनाया और नेक्स्ट वो शादी करना चाहता था और उससे पैसे भी लिए। कई बार रिश्ता बनने के बाद पैसे भी लिए और उसके बाद शादी करने का दबाव देने लग गया कई दिन से। तो इसी बीच में हमें सूत्रों से पता चल गया कि इस प्रकार का ये मामला है। तत्काल हमने गहनता से पूछताछ करी तो फिर लड़की को भी पता चल गया कि इस प्रकार की है करके। इस प्रकार एक बहुत बड़ी कम्युनल वायलेंस या फिर कम्युनल कौमी एकता के ऊपर जो फिज़ा खराब करने वाली, माहौल खराब करने वाली बात है, इससे होने से हमारे गदरपुर पुलिस ने बचा लिया। इसके लिए हमारा गदरपुर की संपूर्ण पुलिस टीम को, जिसमें SHO है, हमारा CO बाजपुर है, SP काशीपुर का, बहुत टाइमली इंटरवेंशन रहा। ये दिखाता है हमको कि हमारा सूचना तंत्र सही है, पुलिस का मुखबिर तंत्र सही है, तो काफ़ी बड़ी घटना होने से बचा सकते हैं। तो इस संबंध में हमने 417, 420 और लड़की की तहरीर पर 376, 386, 504, 506 हमने दर्ज करा है। आगे हम जाकर इसमें फंडिंग हुआ है नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट की एनालिसिस करेंगे और किसी प्रकार की कोई व्यवस्थित गिरोह का पार्ट तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम पता करेंगे।